नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अगले शेडियो सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं। यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, हमने देखा है कि जब से सेबी का फैसला आया है कि सेबी ने जो 7 कमोडिटीज NCDX पर बैन की हैं अगले 1 साल के लिए कि उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो मौजूदा पोजीशन है उनको पूरा करने की अनुमति है, उनको पूरा करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी जो एग्री कमोडिटी बाजार है वो कहीं ना कहीं नरमी के साथ ट्रेड करती नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में जो NCDX की जो वायदा बाजार है उन कमोडिटीज़ में अब कुछ तेजी बनती नज़र आएगी, क्या बाजार उठता नज़र आ सकता है आगे? देखिए अखिलेश, जो नेट अगर हम एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज में जिस तरीके की अब अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से सरकार ने महंगाई पर रोक लगाने के लिए ये स्टेप्स उठाए हैं, इसके चलते देखिए बाजारों में काफी ज्यादा उठा पटक देखने को मिली है। काफी कमोडिटीज ऐसी हैं जो लाल रंग के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है और आज भी आप देखिए पूरा एग्री कमोडिटीज लाल रंग के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सब में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि अभी देखिए ट्रेडर्स जो है वो घबराए हुए हैं कि सरकार कभी भी किसी भी कमोडिटीज पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा देती है तो इसमें पोजीशनें जो है मतलब वो अपनी पोजीशनों को ना तो स्केयर ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ उनको मतलब रोल ओवर नहीं कर सकते, स्केयर ऑफ ही कर पाएंगे और ना कोई उनके लिए कोई फॉर्मूला बचता है कि वो कोई नीचे से अपनी एवरेज करें या ऊपर से बिकवाली करें। तो अभी जो फिलहाल जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें काफी ज्यादा अभी वॉल्यूम्स भी गिरते नजर आएंगे और प्राइसेस के ऊपर दबाव जो है वो गहराता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इस खबर के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि सभी कमोडिटीज लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, जिनके फंडामेंटल भी पॉजिटिव थे अभी फिलहाल वो भी गिरती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि देखिए इलेक्शंस हैं आगे और अगर अब कमोडिटीज के प्राइसेस ऊपर होते हैं तो सरकार किसी भी कमोडिटी को लेकर कोई भी अपडेट निकालती हुई नजर आ सकती है, जिस तरीके से हमने एडिबल ऑयल में देखा, दालों में देखा और कल भी जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया गया, तो इस तरीके के फैसले जो है सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं जिसका सीधा असर हम देख रहे हैं एग्री कमोडिटीज के ऊपर नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है और कीमतें नीचे आती नजर आ रही हैं। तो अभी फिलहाल सभी एग्री कमोडिटीज दबाव में और अभी मुझे लगता है कि ये वाला पूरा वीक ही बाजारों के ऊपर दबाव बना रह सकता है। जी रूपा जी, अगर सरकार ने इन पर फैसला लिया है तो सरकार का ये भी कहना था कि सरकार ने सेबी ने ये जो कमोडिटीज बैन करी हैं वो इसलिए करी हैं कि महंगाई दर को काबू में पाया जा सके, महंगाई दर पर काबू में किया जा सके, क्योंकि हमने हाल ही में महंगाई को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखा है। कमोडिटीज़ हो चाहे उपभोक्ताओं को एंड यूज़र को कोई भी सामान खरीदना हो उसको महंगा ही पड़ रहा है इस बार, चाहे खाद्य तेल हो, मसाले हो, कुछ भी हो। तो सर जो सेबी ने फैसला लिया था इसलिए लिया था, ऐसे में आपको क्या लगता है अगर वायदा बाजार में कारोबारी अब आगे ट्रेडिंग करने में घबरा रहे हैं जिसकी वजह से अब NCDX पर लाल निशान पर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है तो क्या ऐसे में बाजी एक बार फिर से हाजिर कारोबारियों के पास जाने वाली है, क्या किसानों को इसका लाभ मिल सकता है कहीं ना कहीं? देखिए फिलहाल ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसानों को इसका सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, बल्कि देखिए जब वो एग्री कमोडिटीज जो है वायदा में ट्रेड होती हैं तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने सौदों को हेज करके चल सकते हैं, जबकि बड़े ट्रेडर्स व्यापारी लोग जो है इसमें अपने सौदों को हेज करते हैं, जबकि फार्मर्स जो है फार्मर्स को अगर प्राइजेस वायदा में मूवमेंट आती है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं और ट्रेडिंग होती है, प्राइजेस ऊपर जाते हैं तो जो फसलों के प्राइजेस है वो भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उसका फायदा किसान को डायरेक्टली ना हो रहा हो क्योंकि स्टॉकिस्ट इसका फायदा उठाते हैं जब प्राइसेस जो है ऊपर जाते हैं, लेकिन जब कमोडिटी वायदा से बैन कर दी जाती है, जितनी भी हमने कमोडिटीज देखी चाहे वो चना हो या काली मिर्च हो जिसको भी सरकार ने बैन किया, उसके बाद उन कमोडिटीज के प्राइसेस नो डाउट कंट्रोल में आ जाते हैं लेकिन इनफैक्ट MSP के भी नीचे चले जाते हैं। तो अभी फिलहाल जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस सिनेरियो के मद्देनजर अभी सभी कमोडिटीज प्रेशर में है और इसका फायदा फिलहाल किसानों को आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी सरूपा जी, बात करें अगर आप कैसे की तो हम देख रहे हैं कि कैसे सीड का जनवरी वायदा 5800 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, आपने बता दिया था कि कैसे सीड में अब और बढ़त की उम्मीद नहीं है, कैसे सीड 6000 के नीचे जाता नजर आ सकता है, वही ट्रेंड हम अब फॉलो होता हुआ देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कैसे सीड यहां से नीचे 5800 के नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है क्या, अभी ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? नहीं,
भी कमोडिटीज दबाव के साथ हैं, चाहे वो कैस्टर हो, ग्वार हो, इनफैक्ट आप देखिए कॉटन ऑयल सीड केक भी आज लुढ़का है सभी कमोडिटीज में गिरावट के चलते। तो अभी फिलहाल सभी कमोडिटीज दबाव के अंदर हैं और इस दबाव के चलते कैस्टर 5600 तक नीचे लुढ़क सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में 5600 से लेकर 6000 की रेंज जो है कैस्टर के लिए बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये सिर्फ जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देख रहे हैं 2800 का लेवल तोड़ने के बाद अब 2760 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। हालांकि 2806 का अभी भी हाई लग चुका है, लगभग 1.5% की करेक्शन है। रूपा जी आपको क्या लग रहा है, क्या यहां से जो करेक्शन बनी है बिनौला में, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हैं जिनका लगातार सवाल ये आ रहा है बिनौला खल को लेके, कि क्या मौजूदा स्तरों से बिनौला खल में खरीदारी करके चलना सही रहेगा, या फिर जिस हिसाब से अभी करेक्शन आ रही है थोड़ी और करेक्शन आने दे, थोड़ा और निचला स्तर आने दे फिर खरीदारी करें। देखिए बिनौला खल का आउटलुक पॉजिटिव है, आज कॉटन में भी तेजी है और बिनौला खल ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए जब जब सभी कमोडिटीज में प्रेशर आ रहा है तो उसका एक असर देखने को मिल रहा है और अभी थोड़ा सा इन लेवल्स के ऊपर मांग भी कम होती हुई दिखाई दी है जिसकी वजह से बिनौला खल ऊपरी स्तरों से दबाव में आया है। तो मुझे लगता है कि बिनौला खल अभी नीचे में 2600-2650 ये लेवल्स हो सकता है कि इसमें देखने को मिले, वहां पर वापस से बाउंस बैक आ सकता है और यहां से भी मार्केट वापस से बाउंस कर सकता है 2740-2720 के आसपास। तो फिलहाल बिनौला खल में छुटमुट गिरावट अभी और आ सकती है, थोड़ा सा वेट कीजिए, नीचे आने पर इसमें वापस से बाइंग कर सकते हैं। अभी भी टारगेट जो है वो पॉजिटिव है, 3000-3100 का लेवल एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में इसमें देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी बात करें यहां से अगर धनिए की, तो धनिया में देख रहे हैं कि एक रेंज देखने को मिल रही है, नीचे में 8600 और ऊपर में 8800, इसी रेंज में अब धनिया के जो प्राइसेज हैं वो कहीं ना कहीं स्टक होके रह गए हैं और आज देख रहे हैं कि 0.25% की करेक्शन भी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आज धनिया का वायदा बाजार 8704 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, करेक्शन भी सुबह के कार्रवाई सत्र में बनती नजर आ गई है, तो क्या आज धनिया 8700 का लेवल तोड़ सकता है, क्या नीचे में 8600 के भी लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ सकता है? देखिए आज करेक्शन बन रही है और इस करेक्शन के चलते आज की रेंज जो है वो बिल्कुल 8600 तक बनती हुई दिखाई दे सकती है। 8600-8580 ये नीचे में लेवल हो सकता है जनवरी वायदा में देखने को मिले। अगेन अभी पॉजिटिव है बाजार, कोई बहुत ज्यादा इसमें गिरावट की उम्मीद नहीं है और मुझे लगता है कि धनिया 9000 के ऊपर सस्टेन करेगा आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल के लिए मान के चलिए 8580 तक नीचे एक बार करेक्शन के मद्देनजर लुढ़क सकता है। जी ये सर भाई बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का जनवरी वायदा देख रहे हैं 16120 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लेकिन 16330 का भी हाई लगा चुका है, 1.5% की करेक्शन जीरे में भी बनती नजर आ रही है। रूपा जी देख रहे हैं कि धनिया, जीरा, हल्दी तीनों ही मसाले आज लाल निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट हल्दी के अंदर 2.5% की करेक्शन है और जीरे में 1.5% की। आपको क्या लगता है आज मसालों में जो करेक्शन बनी है, ये जो ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्या यहाँ से एक बार फिर से खरीदारी निकलेगी? देखिए अभी तो फिलहाल सभी कमोडिटीज में गिरावट है, केवल मसालों में ही नहीं, आप देखिए पूरा लाल रंग के साथ आज कमोडिटी बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त गिरावट सभी कमोडिटीज में आ रही है, 1-1.5% बाजार लुढ़के हुए हैं और उसी का असर है कि मसालों में भी गिरावट है। अभी तो फिलहाल आज और कल का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है गिरावट वाला ही रहे, लेकिन वही निचले स्तरों पर बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, खरीदारी एक बार लौट सकती है। जी तो यानी कि रूपा जी के अनुसार मसालों में वायदा बाजार NCDX पर आज और कल बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नरमी वाला रुझान देखने को मिलता रहे, लेकिन रूपा जी के अनुसार मसालों की कीमतों में निचले स्तर से खरीदारी भी लौटेगी, बाइंग भी इनिशिएट होती नजर आ सकती है लोअर लेवल से। रूपा जी रुख करें अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का जनवरी वायदा 10740 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.5% की करेक्शन है, और ग्वार सीड का जनवरी वायदा 6005 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 1.5% की करेक्शन के साथ। रूपा जी हमने इस कारोबारी सप्ताह के शुरुआत में भी ग्वार की कीमतों को 11000 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा है और ग्वार सीड 6100-6200 पर रहा था, लेकिन कल से देख रहे हैं कि ग्वार की जो कीमतें हैं वो टूटना शुरू हो गई हैं और करेक्शन आनी स्टार्ट हो गई है, एक बार फिर से ग्वार गम 11000 के नीचे जाता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यहां से अभी ग्वार गम और ग्वार सीड की जो करेक्शन है ये वो और ज्यादा गहराएगी?
देखिए बिल्कुल, अभी ग्वार सीड की करेक्शन जो है वो गिरा सकती है, और ग्वार में भी अभी देखिए बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि अभी ग्वार जो है, अभी क्रूड में भी देखिए सपोर्ट आ रहा है, तो उससे ग्वार में भी वापिस से बाउंस बैक आ सकता है। अभी फिलहाल जनवरी वायदा की बात करें तो 10,200 तक नीचे लुढ़क सकती है आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से, और मुझे लगता है कि सीड भी आज 5960 से लेकर 5940 तक की गिरावट दिखा सकती है। आज बाजारों में गिरावट है और ये गिरावट अभी फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी, यहीं से रुपए जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वादा देख रहे हैं 5850 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 5900 का हाई लगा चुका है, 1% की करेक्शन है, लेकिन 5790 का भी लो लगा चुका है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन यहाँ से 5500-5600 का भी लेवल दिखा सकती है अभी नीचे में? देखिए बिल्कुल दिखा सकती है जिस हिसाब से गिरावट आई है, और 5500-5600 डेफिनेटली संभव है। और अभी तो फिलहाल एडिबल ऑयल पैक में किसी में भी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। सरसों भी ऊपरी स्तरों पर गिरी है आज बाजारों में, कल के बाजारों की बात करें तो सरसों में भी गिरावट देखने को मिली है। इन लेवल्स के ऊपर मांग में काफी कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और सरकार ने जिस तरीके से इम्पोर्ट शुल्क घटाया है तो इसका सीधा असर एडिबल ऑयल पैक के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी फिलहाल एडिबल ऑयल पैक सभी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, कुछ दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे इस वक्त लाइव जुड़े हमारे साथ, कि सोयाबीन में जैसा आपने बताया कि 5500-5600 नीचे में जाती नजर आ सकती है, तो क्या उन लेवल्स पर खरीदारी करना सही रहेगा? में अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये कहना कि 5500-5600 के आसपास आकर बाजार सस्टेन कर जाएगा थोड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से अभी सिनेरियो बन रखता हुआ मार्केट्स का दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से देखना होगा कि 5600 के आसपास वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, खरीदारी आती है, लेकिन अभी फिलहाल ये कहना नहीं मुश्किल है कि वहां पर आकर आप बाइंग करें। 5600 के बाद अगर बाजार टूटे तो और भी गिरावट बढ़ सकती है, तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच की ही पॉलिसी होनी चाहिए। फ्रेश एंट्री एक बार थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए वेट करके चलना चाहिए। जी, ये सर पर जी बात करेंगे सरसों की, तो सरसों में भी हमारे पास बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है। ये जानना चाहते हैं कि जिस हिसाब से अब खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो सरसों का जो स्टॉक था भारत में, अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खपता नजर आ रहा है, आगे जो बंपर आवकों की जो खबरें थी उसके मद्देनजर किसानों ने अपनी सरसों की अब पूरी बिकवाली कर दी है, और जो सरसों की बिकवाली की थी अब वो भी यूज में आ गई है कहीं ना कहीं। ऐसे में आपको क्या लगता है, और सरसों की जो फसल है इस बार मंडियों में लगभग 1 महीना लेट आएगी, क्योंकि 1 महीना लेट बुआई चालू हुई थी सरसों की, तो क्या ऐसे में जो बचे हुए कुछ महीने हैं अभी ये 2.5-3 महीने, क्या इन महीनों में सरसों की कीमतों में कुछ अपसाइड मोमेंटम बनता नजर आ सकता है, क्या सरसों की कीमतें ऊपर की ओर जाती नजर आ सकती हैं? देखिए फिलहाल सरसों के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है, सरसों 500 पॉइंट ऑलरेडी स्पॉट मार्केट में गिर चुका है, और अभी फिलहाल तेजी बनती हुई किसी भी कमोडिटीज में दिखाई नहीं दे रही है। अभी सभी कमोडिटीज के ऊपर दबाव है, और जो ये स्टॉक खत्म होने की खबर निकल कर आ रही है, अभी देखना होगा कि एक्चुअल में स्टॉक खत्म हुआ भी है या नहीं। अभी जो सिनेरियो है वो नेगेटिव हो चुका है, पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अभी अराइवल आने में टाइम है और सरसों की कीमतें इन स्तरों पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और एक डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से सरकार ने जो 2-3 स्टेप्स लिए हैं इसके चलते अभी सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर गिरावट बढ़ी है और सरसों के अंदर भी गिरावट है। स्पॉट मार्केट के अंदर अभी वायदा में तो ट्रेडिंग बैन है आगे, लेकिन स्पॉट मार्केट के अंदर इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है प्राइजेस के अंदर, और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल दबाव ही बना रहेगा, बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी की उम्मीद बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, यहीं से रूपा जी बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल कॉटन को लेकर आ रहा है। रूपा जी खबरें फिर से निकल के सामने आई कि भारी बारिश की वजह से कॉटन की जो क्रॉप है वो फिर से खराब होती नजर आई है, और दूसरा पिंक बॉल वॉर्म आर्मी का जो प्रकोप है एक बार फिर से कॉटन की फसलों पर देखने को मिला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इसका इम्पैक्ट कॉटन की कीमतों पर कितना देखने को मिल पाएगा, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है कॉटन की वो भी अभी निरंतर जारी है। देखिए बिल्कुल फंडामेंटल सपोर्टिव है कॉटन का, और लगातार हम बताते आ रहे हैं कि कॉटन जो है आगे तेजी की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा, और कीमतों में बाउंस बैक है एक्सपेक्टेड है, प्राइसेस तेजी में जा सकते हैं, और वायदा में भी जैसे मैंने बताया था कि 32,000 के ऊपर कॉटन निकल सकती है, तो फिलहाल वही रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी प्राइसेस के अंदर तेजी है, छुटपुट गिरावट के बाद एक बार फिर से प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूबा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे एग्री कम्युनिटीज पर,
आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से, आज किन कमोडिटीज में बच के चलना सही रहेगा और टॉपिक्स जिनमें निवेश करके चलना सही रहेगा? देखिए फिलहाल बाइंग के लिए तो अभी थोड़ा सा वेट करें, आज किसी भी कमोडिटी में बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं बनानी चाहिए, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाकर चलें। बाजारों में ऊपरी स्तरों पर अभी करेक्शन जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, तो आज सभी कमोडिटीज गिरावट के साथ है, निचले स्तरों पर खरीदारी की जो रणनीति होगी वो बिनोला खल में आप बनाकर चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज इंट्राडे में सब कमोडिटीज दबाव में है, तो प्रेशर के साथ आज देखने को मिल सकता है, मेरे हिसाब से आज वेट एंड वॉच की पॉलिसी लेकर चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि एग्री कमोडिटीज में जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि वायदा बाजार पूरा लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो आज निवेश की रणनीति की बजाय वेट एंड वॉच की रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा। थोड़ा रुक जाए, मार्केट को देख लें कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, अभी मार्केट ऊपर उठ रही है नीचे उठ रही है, उस थोड़ा रुक जाए, देख लें उसको, परख लें और फिर उसके बाद ही कोई आगे की अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएं। अभी फिलहाल सिलसिला बाजार को हमें अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।